नक्षत्र के हिसाब से माँ भगवती को क्या क्या भोग लगाना चाहिए। नक्षत्र के अनुसार नैवेद्य का भोग है। अश्विनी नक्षत्र में घी का भोग, भरणी नक्षत्र में तिल का भोग। देखो 27-28 नक्षत्र होते हैं हमारे पूरे महीने के, तो उसमें आप पंचांग में देख लो या कैलेंडर में देख लो, कैलेंडर में देख करके आप उस तिथि के अनुसार नक्षत्र के अनुसार आप भोग लगाएं। कृतिका नक्षत्र में चीनी का, रोहिणी में दही का, मृगशिरा में दूध का और आद्रा नक्षत्र में मलाई का भोग लगाएं। पुनर्वसु में लस्सी का भोग लगाएं। पुष्य नक्षत्र में लड्डू का भोग लगाएं। अश्लेषा नक्षत्र में पापड़ का भोग लगाएं और हस्त नक्षत्र में घेवर का भोग लगाएं और चित्रा नक्षत्र में पकौड़ी का भोग लगाएं। स्वाति नक्षत्र में कोक रस का भोग लगाएं और विशाखा नक्षत्र में घृत मिश्रित चने का चूर्ण, यानी कि बेसन का लड्डू, और अनुराधा नक्षत्र में मधु यानी शहद, ज्येष्ठा नक्षत्र में सूरन, सूरन का अर्थ होता है जिमीकंद, जो आलू के जैसा होता है, जमीन में ही होता है, और मूल नक्षत्र में गुड़ का, और पूर्वा आद्रा नक्षत्र में चिवड़ा का, और उत्तरा आद्रा नक्षत्र में दाख का भोग लगाएं। श्रवण नक्षत्र में खजूर का भोग लगाएं और धनिष्ठा नक्षत्र में चारक का भोग लगाएं और सत्यविशा नक्षत्र में पुआ का भोग लगाएं। पूर्वा भाद्र नक्षत्र में मक्खन का और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मूंग के बेसन का लड्डू बना करके भोग लगाएं। मूंग और या बेसन का लड्डू बना करके भोग लगाएं और रेवती में अनार का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से नक्षत्र आपके हैं।